इस तरीके से बनाए घर पर पालक आलू मन करेगा अभी बनाकर खा लूं। इसे आप घर पर झटपट और आसान विधि से बना सकते हैं। अगर आलू पालक इस तरीके से बनाएंगे इतनी टेस्टी और लाजवाब बनेगी, जिन्हें पालक नहीं पसंद है वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आलू पालक की सब्जी हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लिया गया है, एक बड़ा चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया गया है। इसके बाद 8-10 कलियां लहसुन की इसे छील लिया गया है, इसे खड़ा इसमें डाल दिया गया है। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक कर लिया गया है, इसे बारीक बारीक कट कर लिया गया है। लगभग 10 से 15 सेकंड तक हम लोग इसे भूनेंगे। जब इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा तब इसमें जो है कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। लगभग 2 हरी मिर्च डालने के बाद इसे हम लोग भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे भी भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। जब प्याज का कच्चापन लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद, ये देखिए कच्चापन हमारा खत्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर लगभग 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिया गया है और इसे हम लोग भूनेंगे। इसका भी जब हमारा कच्चापन खत्म हो जाएगा तब इसमें हम लोग पालक डालेंगे। तो लगभग यहाँ पर 250 ग्राम पालक ली गई है, हरी पालक, और इसे जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। पालक डालने के बाद इसमें हम लोग 1 कप पानी ऐड कर देंगे और पानी डालने के बाद इसे हम लोग ढक कर पकाएंगे। लगभग 4 से 5 मिनट के बाद पालक हमारी पक जाएगी और साथ ही साथ टमाटर और प्याज भी अच्छी तरीके से इसमें पक जाएंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुका है और प्याज हमारी पक चुकी है। अब हम लोग गैस फ्लेम बंद कर देंगे और गैस फ्लेम बंद करने के बाद हल्का सा इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए पालक बिल्कुल इसमें पक चुकी है, ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। अब इसे हम लोग गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ली गई है, कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया गया है। इसके बाद इसमें नए आलू लिए गए हैं दोस्तों, मीडियम साइज़ के आलू हैं, ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं। इसे जो है हल्का सा धुल लिया गया है और इसमें जो है छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नए आलू हैं। अब इसे जो है इसमें ऑयल में डाल दिया गया है, इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे दोस्तों, वरना ये ऊपर ही ऊपर फ्राई हो जाएंगे और अंदर तक नहीं पकेंगे, इसलिए मीडियम साइज़ के लिए गए हैं। आप नया या पुराना कोई भी आलू ले सकते हैं और इसे फ्राई कर लें। फ्राई होने के बाद इसका जो सब्जी का स्वाद हमारा 10 गुना बढ़ जाएगा। फ्राई होने के बाद इसका जो टेस्ट होता है आलू का बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिसे खाने में सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी लगती है। पालक हमारी ठंडी हो चुकी है, अब इसे मिक्सी के जार में डाला जा रहा है। मिक्सी के जार में डालने के बाद इसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे, टमाटर सहित जो हम लोगों ने लहसुन टमाटर प्याज डाला था इसका पेस्ट हम लोग तैयार कर लेंगे। अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया गया है, उसी कढ़ाई में जो तेल फ्राई होने के बाद बचा था एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया गया है। इसके बाद इसमें 1 पिंच हींग डाल दी गई है। हींग डालने के बाद इसमें हम लोग खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में यहाँ पर जायफल और दालचीनी डाल दिया गया है और इसे भून लिया गया है। भूनने के बाद इसमें हम लोग मसाले ऐड करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच इसमें धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया गया है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद ज़्यादा मसाले इसमें हम लोग नहीं ऐड करेंगे। लगभग 4 से 5 सेकंड तक मसाले भूनेंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था पालक और टमाटर का, इस समय इसमें डाल देंगे। वैसे ये पालक हमारी उबल कर पक चुकी है, फिर भी इसे हम लोग तेल में भूनेंगे अच्छी तरीके से। तो लगभग इसे हम लोग 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। भूनने के बाद इसमें हम लोग स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दिया गया है और नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें जो थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जो ये पालक की जो ग्रेवी है हम लोग थोड़ा सा पतला बनाएंगे तो इसमें पानी कम है, तो जिस जार से हम लोगों ने मिक्सी में पीसा था उसी में पानी डालकर इसमें डाल दिया गया है। और पानी डालने के बाद इसे हम लोग जब उबलने लगेगा ये, तब इसमें जो फ्राई किए हुए आलू हैं डाल दिए गए हैं। अब जो है आलू डालने के बाद इसे जो है हम लोग मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसे हम लोग इसमें तड़का लगाएंगे, जिससे सब्जी हमारी और भी खाने में टेस्टी लगेगी। गरम मसाला डाल दिया गया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया गया है। इसके बाद इसमें हम लोग तड़का लगाएंगे, ढक कर पकाएंगे। तब तक ये हमारा पक रहा है तब तक हम लोग तड़का तैयार कर लेते हैं। एक तड़का पैन लिया गया है, 1 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया गया है। इसके बाद इसमें कटे हुए लहसुन डाल दिए गए हैं 8-10। इसे जो है इसमें अच्छी तरीके से भून लिया गया है। फिर इसमें सब्जी का अच्छा कलर बनाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया गया है ढेर सारा, ये तीखा कम होता है और इसे जो है सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब ये देखिए ये उबलने लगा है, सब्जी हमारी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं बिना तड़का लगाए। इसमें मैं तड़का डाल दूंगा तो इसका जो है स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए सब्जी खाने के लिए हमारी रेडी हो चुकी है। इसे आप पूरी, पराठे, रोटी, चावल के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ आपका मन कहे। और बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है, इसे घर पर आप जरूर ट्राई करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए ढेर सारी वीडियो लाने वाला हूँ।